दोस्तों आज आईपीएल 2021 का चौथा मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। दोस्तों आज का मैच वाकई में देखने लायक था। दोस्तों पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल ने 90 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली और उनके साथ दीपक हुड्डा ने 68 रनों की एक शानदार पारी खेली और साथ ही क्रिस गेल ने 40 रन नाबाद बनाए। दोस्तों आज बात करेंगे पूरे मैच की। दोस्तों आप केएल राहुल और क्रिस गेल में से किसके बड़े फैन हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज के मैच में सबसे पहले संजू सैमसन ने टॉस जीता और राजस्थान ने गेंदबाजी का फैसला लिया। दोस्तों दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की तरफ से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करना है। दोस्तों चेतन सागरिया राजस्थान के लिए जो डेब्यू कर रहे थे उन्होंने तीसरे ओवर में मयंक अग्रवाल को 19 रनों पर चलता किया और उन्होंने अपना मैच का पहला विकेट लिया। इसके बाद पंजाब किंग्स की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना है क्रिस गेल। क्रिस गेल और केएल राहुल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने 50 रन की एक पार्टनरशिप कर ली और क्रिस गेल ने 28 गेंदों पर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और रियान पराग ने इनको आउट कर दिया। क्रिस गेल ने अपनी पारी के दौरान 4 चौके वहीं 2 शानदार छक्के भी लगाए। दीपक हुड्डा को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका दिया गया और वो अपनी उम्मीदों पर सही उतरे। उन्होंने टीम के लिए 28 गेंदों पर 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने पारी के दौरान 4 चौके लगाए तो इन 6 लंबे छक्के भी लगाए। केएल राहुल ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप कर ली। दोस्तों 18वां ओवर फेंकने आए क्रिस मॉरिस ने 18 ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा को आउट किया और 18वें ओवर की लास्ट गेंद पर पूरन बैटिंग करना है और पूरन को पहली गेंद पर आउट कर दिया। दोस्तों एक छोर से विकेट गिरने के बाद भी केएल राहुल अपनी फॉर्म में दिखे। केएल राहुल ने चेतन साकरिया की गेंद पर पहले एक चौका लगाया फिर छक्का लगाया और केएल साकरिया ने आखिरी गेंद पर केएल राहुल का बड़ा विकेट ले लिया और केएल राहुल 90 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। केएल राहुल ने अपनी आतिशी पारी के दौरान 7 चौके तो वहीं 5 लंबे छक्के लगाए। इसके बाद डेब्यू करने उतरे शाहरुख खान ने 4 गेंदों पर 6 रन बनाए। जॉय रिचर्डसन 0 रन बनाकर आउट हो गए और चेतन साकरिया ने अपने मैच का तीसरा विकेट हासिल कर लिया। दोस्तों और पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए और 222 रन का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को। आज अपने पहले डेब्यू मैच में चेतन साकरिया ने 4 ओवर में 31 रन दिए और 3 विकेट लिए। वहीं क्रिस मॉरिस भी राजस्थान की तरफ से पहली बार उनकी जर्सी में खेलने उतरे और इन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट भी ले लिए। दोस्तों आज केएल राहुल दीपक हुड्डा और क्रिस गेल की पारी देकर प्रीति जिंटा समेत क्रिकेट के सारे फैंस इनके दीवाने हो गए। दोस्तों अगर आपको केएल राहुल की ये पारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।